सिवान में लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है। हमारे पीछे ये जो तमाम लोग दिख रहे हैं, ये लोग बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी हैं और इनका ये मांग है कि जो सरकार ने नया कानून लागू करने का प्रयास कर रही है, सभी बैंकों को प्राइवेटीकरण करने की बात कर रही है, इन्हीं सारे मुद्दों पे ये लोग यहाँ पे हड़ताल में हैं और दो दिन ये लोग यहाँ पे हड़ताल में रहेंगे। यानी बैंकिंग सेक्टर के कोई भी काम दो दिन नहीं होंगे, दो दिन आम जन परेशान रहेंगे। इनका ये कहना है कि जैसे ही बैंक निजीकरण हो जाएगा, आम जनता समस्या में पहुंच जाएगी, बहुत सारे जो जॉब हैं वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बात करना चाहता हूँ, यहाँ के जो सचिव है मैं बताना चाहता हूँ, आप ये बताइए किस तरह की समस्याओं को लेकर आप लोग आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, हमारी समस्या सिर्फ बैंकों तक सीमित नहीं है, क्योंकि बैंक जो है ये अपने भारतीय समाज या किसी भी समाज का ब्लड वेसल होता है, इसी से आपकी अर्थव्यवस्था चलती है। जब इस पर कठोराघात होता है तो समाज की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने लगती है, और इसी कठोराघात से बचाने के लिए, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन करने की मंशा रखती है केंद्र सरकार, अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो कई तरीके की समस्याएं आम जन को, बैंक कर्मियों को होने लगेंगी। जिस तरीके की सुविधाएं आज आम जन को मिल रही हैं वो इतनी कॉस्टली हो जाएंगी कि वो आम जन जो कभी अभी और 1969 के बाद से अभी तक आसानी से बैंकों की सुविधाएं ले रहा था वो उसे नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ बेरोजगारी की जो समस्या है वह और विकराल रूप ले लेगी। कारण यह रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद प्राइवेट कंपनी किसी भी बहाने से छटनी करना चालू कर देगी, बिठाना चालू कर देगी, ठेकेदारी देके मनमाने लोगों को औने पौने पैसे देके रखना चालू कर देगी। इससे क्या होगा कि जो सरकारी तंत्र आज मजबूत है और मजबूती के साथ खड़ा है बैंकों का, वह ध्वस्त हो जाएगा। 28 बैंकों को क्लोबेट करके 12 बैंकों में तब्दील कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि अब बेरोजगारी नहीं हो रही? जी बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी तो है, कोलेबरेट करना अलग चीज़ हो गया सर, ठीक है, वो एक ढांचा मजबूत करना हो गया, लेकिन प्राइवेटाइज करना वो दूसरी चीज़ हो गई। प्राइवेटाइज करना मतलब कि उसकी पूरी संरचना ही आप बदल दिए, उसके भाव को ही बदल दिए। सरकारीकरण इसलिए होता है किसी भी चीज़ का, अगर अस्पताल है सरकारी है तो वहाँ आप आम जन को सुविधा जो मिलती है वो निम्न दरों पर मिलती है, आम जन के लिए वो हमेशा उपलब्ध रहता है। वही स्थिति बैंकों के साथ है। हम अभी भी इतने सुलभ हैं, कितने भी सुदूर ग्रामीण इलाके में जाइए आपको सरकारी बैंक ही मिलेंगे, आपको प्राइवेट बैंक नहीं मिलेंगे। और क्या क्या मांगे हैं आपसे जानना चाहते हैं, क्या क्या मांगे? देखिए, हम लोग का मुख्य मांग ये था कि पब्लिक के बीच में हम बताएं कि बैंक के निजीकरण करने के बाद क्या उसको घटा है। सपोज कीजिए कि जितने भी गैस की सब्सिडी बैंकों के माध्यम से आ रही है, राशन की सब्सिडी बैंकों के माध्यम से आ रही है, किसानों के 2000 रुपये सब्सिडी बैंकों के मार्फत आ रही है, प्राइवेट बैंक हो जाने के बाद जो है उसका मिनिमम रेट है कि वो 10,000 मिनिमम बैलेंस उसमें रहना चाहिए। अगर उसका बैलेंस कम हो जाता है, सपोज कीजिए किसी किसान की राशि 2000 रुपये उसमें आई और बैलेंस उसमें कम हो गया है, तो 2000 रुपये उसको एडजस्ट करके ख़त्म हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो निजीकरण का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि आम पब्लिक को भी इससे फायदा हो। जिस उद्देश्य से 1969 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था कि गरीबी रेखाओं से, गरीबी रेखा के नीचे बसने वाले लोगों को इसमें जीवन यापन कर सके, बैंक का समुचित लाभ ले सके। आज की डेट में क्या होगी, बैंक निजीकरण होगा तो फिर साहूकारों का गांव में, फिर साहूकारों के से पैसे लेंगे, उनके खेत जमीन फिर गिरवी रखेंगे और वो फिर बिना जमीन के मालिक हो जाएंगे। देखिए, ये जो विरोध हो रहे हैं, इस विरोध के पीछे का सीधे सीधे का इनका तात्पर्य है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, आम जन जो लाभ मिल ले पाती है सरकारी बैंकों से वो नहीं मिल पाएंगे, साथ ही साथ सरकार ने जो सरकार ये बैंकों को सरकारीकरण किया था, इसमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, अभी भी जनता को सब्सिडियां मिलती हैं, ये बैंक के द्वारा ही दी जाती हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जैसा कि एक अधिकारी ने बताया कि यहाँ तमाम लोग जो हैं वो लोग बेरोजगार हैं, अभी भी बहुत सारे सीट ऐसे खाली हैं, लगभग 45,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ खाली हैं, यानी जो युवा बेरोजगार हैं जो इसकी तैयारियां करते हैं वो छोड़ देंगे, यानी प्राइवेट बैंक में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी अराजकता फैलेंगी और इसका विरोध कर रहे हैं। और ऐसे में दो दिनों का ये पूरा का पूरा इन लोगों ने हड़ताल कर रखा है, भविष्य में भी अगर सरकार नहीं मानती है इस ओर अपना कदम बढ़ाती है तो ये हड़ताल लगातार बढ़ेगा।